हाय, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन गुरी में। आज हम आपको डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब के मशहूर फार्म दशमेश डेयरी फार्म का वर्चुअल टूर करवाएंगे। डेयरी फार्म की दो मेन एंट्रेंस है, रोड की राइट साइड में डेयरी फार्म और लेफ्ट साइड फार्म में यूज होने वाले इक्विपमेंट रखने की जगह बनाई है। दशमेश डेयरी फार्म टोटल 5 एकड़ में बनाया गया है। सबसे पहले फार्म के लिए खेती में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को अलग से रखा गया है। इसी के साथ काउस के चारे के लिए दो बड़े बड़े साइलेज स्टोरेज पिट्स बनाए गए हैं, जिनका साइज 100x20 feet है। एक पिट में लगभग 2500 क्विंटल तक हरा चारा स्टोर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, डेयरी फार्म में साइलेज को ग्राउंड के ऊपर प्लास्टिक शीट से ढककर और साइलेज बैग्स में पैक कर भी स्टोर किया जाता है, जिस कारण पूरा साल साइलेज की किल्लत नहीं होती। TMR मशीन से फीड को मिक्स करने के बाद ट्रैक्टर की मदद से काउस को चारा डाला जाता है। ट्रॉली, स्प्रे मशीन और चारा कटाई मशीन भी फार्म के काम के लिए यूज की जाती है। चारा कटर फार्म में साइलेज बनाने और हरा चारा कुतरने के लिए यूज किया जाता है। इसी के साथ एक छोटा सा गार्डन स्पेस और घोड़ों का अस्तबल भी फार्म में बनाया गया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको मेन डेयरी फार्म में। फार्म एंट्रेंस पर एक छोटा सा स्टोरेज रूम बनाया गया है, जिसमें सेफली इंपोर्टेड सीमन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। दशमेश डेयरी फार्म इंपोर्टेड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेक्स सेग्रीगेटेड सीमन ही यूज करता है। फार्म में इमरजेंसी यूज और काव्स को उनकी माँ का ही दूध पिलाने के लिए सिंगल काव मिल्किंग मशीन यूज की जाती है। इसी के साथ काउस के पैरों के लिए काउ फुट डीहेयरिंग मशीन भी फार्म में अवेलेबल है, जिसका यूज आपको आने वाली वीडियोस में दिखाया जाएगा। तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और मिस ना करें आने वाली किसी भी वीडियो को। दशमेश डेयरी फार्म काउस के लिए खुद ही फीड तैयार करता है। इस कमरे में फीड इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ काउस की देखरेख के लिए हर प्रकार की मेडिसिंस भी रखी गई हैं। इसी स्टोरेज रूम के साथ मिल्क चिलर भी लगाया गया है, जो डायरेक्टली मिल्किंग पार्लर से कनेक्टेड है। काव्स को पैदा होने के बाद उनकी माँ के साथ रखा जाता है और थोड़ा बड़ा होने पर भी उनको उनकी माँ का ही दूध पिलाया जाता है। जब काव्स 2 मंथ की हो जाती हैं, तो उन्हें अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है।
पूरे डेयरी फार्म में काव्स और काउज मैनेजमेंट के लिए 7 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जहां उन्हें एज, प्रेगनेंसी और मिल्क प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फीड और चारा दिया जाता है। फार्म में सफाई का काम भी पूरा दिन चलता रहता है। दोनों तरफ खुरली के बीच में चारा डालने के लिए ट्रैक्टर और TMR निकलने के लिए रास्ता बनाया गया है। आधा फ्लोर सीमेंटेड और आधा मिट्टी से बना होता है, जिससे मौसम के अकॉर्डिंगली काउस कहीं भी बैठ सकती हैं। हर कंपार्टमेंट में पानी पीने के लिए सीमेंटेड टैंक्स बनाए गए हैं। इन टैंक्स को काई से बचाने के लिए इनमें टाइल्स लगी हुई हैं। काउस को गर्मी से बचाने के लिए फार्म में 600 वाट के पंखे लगे हुए हैं। काउस को खुला घूमने की पूरी आजादी दी जाती है, किसी भी काउ को बांधकर नहीं रखा जाता। इतना ही नहीं, शावर सिस्टम भी लगा हुआ है, जो गर्मी में बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करता है। मिल्किंग से पहले सभी काउस को शावर से गुजरना पड़ता है। एक ही टाइम पर 10 काउस इस कंपार्टमेंट में लाई जाती है और उनकी मिल्किंग की जाती है। मिल्किंग से पहले स्पेशल नैपकिन से सफाई और बाद में एंटी इंफ्लेमेटरी स्प्रे लगाई जाती है। पूरे मिल्किंग प्रोसेस में दूध मशीन द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी ह्यूमन का उसके साथ कांटेक्ट ना हो। जी हाँ, हमारा मिल्किंग डिलीवरी प्रोसेस भी फुली ऑटोमेटेड है। 100% प्योर और अनटच्ड मिल्क ही आपके घर पहुंचता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।